आपको बताने वाली हूँ होम रेमेडी कि आप घर बैठे बैठे ही आप अपना फेस मास्क या फेस पैक बना सके जिससे आप अपने स्किन को ग्लो कर सके। फ्रेंड, अगर आप बाहर का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते या आप टोटली हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेंड ये बहुत ईजी नुस्खा है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आपके पास 3 ऑप्शन है, आप तीनों में से जो भी अप्लाई करना चाहें। तो फ्रेंड इसको आगे जानने के लिए लेट्स गो स्टार्ट। हे फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन में बताया है कि मैं आज एलोवेरा यूज़ करने वाली हूँ। जैसे कि ये घर में सभी के घर में एलोवेरा पाया जाता है, अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको ऑप्शन दिया, 3 टाइप्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लेमन है तो, अगर लेमन नहीं है तो आपके पास शहद है तो, अगर शहद भी नहीं है तो आपके पास दूध चीनी तो होगा ही होगा। तो फ्रेंड ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा फेस मास्क अप्लाई करना चाहते हैं। फ्रेंड आप एलोवेरा और लेमन अगर अप्लाई करना चाहते हो तो ये ध्यान दें कि आपकी स्किन सेंसिटिव ना हो। सेंसिटिव के एक्सेप्ट सभी के फेस पे ये सूट करेगा क्योंकि सेंसिटिव स्किन को थोड़ी सी लेमन है तो थोड़ा सा उनको इरिटेशन प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए तो फिर हम प्रिपेयर करते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये देख रहे हैं मैंने इसको मिक्स ग्राइंडर में इसको मिक्स कर लिया, इसका पेस्ट बना लिया इस एलोवेरा का। फ्रेंड आप इसको पील करके आप भी इसका पहले पेस्ट बना लीजिए। फ्रेंड बहुत ईजिली आप इसका पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद फ्रेंड आप ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें आप सिर्फ 1 चम्मच आपको हनी लेना होगा, सिर्फ 1 स्पून हनी की नीड होगी आपके फेस मास्क के लिए। अगर आप इसे हाथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 2 चम्मच आप शहद यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको दोनों पेस्ट बना के दिखाती हूँ कि आप कौन सा पेस्ट आपको आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा कि आप कौन सा पेस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको दोनों ही पेस्ट बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि मैं फेस पे ही अप्लाई करूँगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें मैंने ऑलरेडी 1 चम्मच हनी ले लिया है। फ्रेंड आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे आप कॉटन से भी अप्लाई कर सकते हैं या सिंपली आप अपने हैंड से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकेंड पेस्ट मैं बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड इसमें आप थोड़ा सा हनी ले लीजिए, थोड़ा सा आप मिल्क ले लीजिए और थोड़ी सी आप शुगर लेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। आप इसे लीव कर दीजिए कि थोड़ी देर आपका शुगर इसमें डिजॉल्व हो जाए। फ्रेंड तो फ्रेंड्स ये आपके 2 पेस्ट तैयार है, 2 फेस मास्क आपके लिए तैयार है। आप इसे जो भी आप इसमें से अप्लाई करना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड अब मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि फेस पे क्या फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैंने एलोवेरा प्लस हनी को चूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं इसका डेमो दिखाने वाली हूँ। वैसे मैंने फेस पे अभी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, मतलब काजल और लिपस्टिक किया है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। आप इसे अप्लाई करने के बाद 20 मिनट्स के लिए आप इसको लीव कर दीजिए। तो फ्रेंड और फिर उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लीजिए। ये आप अपने हैंड पे भी लगा सकते हैं, इससे आपका स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करेगा और आपके पिंपल्स के जो डार्क स्पॉट्स है उसको भी ये लाइट करेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप सिंपली इसको अपने हैंड से भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड
फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने स्किन पे अप्लाई कर लिया है, अब आप इसे 20 मिनट के लिए आप इसको लेव कर दीजिए। इसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं वेट करती हूँ, फिर मैं आपको आफ्टर 20 मिनट्स बाद में इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। हे फ्रेंड, जैसे कि आप मेरा फेस देख रहे हैं, मैंने 20 मिनट बाद इसे वॉश कर लिया है। तो फ्रेंड, मेरे फेस पे लिटिल बिट ग्रो भी आया है। तो फ्रेंड, आप इस नुस्खे को ज़रूर अप्लाई कीजिए। आप इसे हफ्ते में 3 दिन इसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, और ये सबसे बेस्ट थिंग है, सभी एज के लिए सुटेबल है, चाहे वो टीनेजर्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे यूथ हो, एवरी वन शुड बी यूज दिस फेस पैक। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपको नुस्खा कैसा लगा फ्रेंड। और फ्रेंड, बिना खर्चा किए इतना इजीली आपका फेस ग्लो करेगा, इससे बेस्ट थिंग आपको क्या मिलेगा। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।